आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल में, क्योंकि हम आप सभी के लिए स्पेशल प्रोग्राम में बातें भी करते हैं कुछ खास और जानकारियाँ भी कुछ लेकर आते हैं स्पेशल, क्योंकि आप सभी को भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम नहीं चाहते भाई आप सभी से कोई भी जानकारी कोई भी खबर मिस हो जाए। इसीलिए हम आप सभी को अपने इस प्रोग्राम में कुछ खास बातें लेकर आते हैं, कुछ खास जानकारियां लेकर आते हैं और आप सभी को ये सारी बातें ये सारी जानकारियां विस्तार से बताते हैं ताकि आप सभी से कोई भी खबर कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना इंतज़ार करवाए आज की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो सबसे स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ रुख कर चुकी है। वैसे इस खबर में कोई नई बात तो नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नई हीरोइन की एंट्री हो रही है, लेकिन भाई है बहुत दिलचस्प, क्योंकि ये हीरोइन के बारे में मैं आपको जो बताना चाहती हूँ ये बेसिकली हमारे भोजप्रिया माटी से ही है। उनका जन्म भोजप्रिया माटी में हुआ है लेकिन वो बॉलीवुड की तरफ रुख कर चुकी है। लेकिन बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के बाद वो एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रही हैं और बहुत ही उतावली होकर बहुत ही उत्सुक होकर वो भोजपुरी में कुछ नया लेकर आ रही हैं और साथ ही में वो बहुत प्राउड भी फील कर रही हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रही हैं। चलिए उनके बारे में हम आपको बताएं तो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं और आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बताते हैं कि पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल आप सभी को बता दें, इस फिल्म में इस जिस हीरोइन की बात कर रहे हैं उससे पहले आपको पता ही है कि भोजपुरी में तमाम बड़े स्टार जो है वो काम कर चुके हैं। चाहे हम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन और तमाम ऐसे स्टार हैं जिन्होंने भोजपुरी में काम किया है, भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में हमारे जुबले स्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ के साथ और उनके साथ आम्रपाली दुबे के साथ फिल्म बम बम बोल रहा है काशी को प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बनाया गया था और उसके बाद हाल ही में काशी अमरनाथ भी उसी प्रियंका प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया जो कि बम बम बोल रहा है काशी में बनाया गया था। और भी तमाम ऐसे स्टार्स हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन चीज़ों को जहाँ पर बॉलीवुड के लोग अब स्टार भोजपुरी की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको पिछले अपने प्रोग्राम में बताया हल्फा मचा के गर्ल जो फिल्म है उसमें भी बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब अगली स्टार कौन है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर चुकी हैं बॉलीवुड की, वो कौन सी हीरोइन है जो अपना जलवा अपना फैशन बॉलीवुड में बिखेरने के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रही हैं। तो चलिए आप लोगों का सस्पेंस ख़त्म करते हैं, बेसब्री का भी एक समय होता है भाई, अब उसे ख़त्म करते हैं और आपको बात कर बताते हैं आखिरकार कौन है वो अभिनेत्री जो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री कर रही हैं और वो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की पहले भोजपुरी में जन्मी भोजपुरी माटी में जन्मी नीतू चंद्रा। बिल्कुल आप सभी लोग सही सुन रहे हैं, नीतू चंद्रा इससे पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बार सुर्खियां बटोर चुकी हैं लेकिन इस बार उनका सुर्खियों में आने का जो खास वजह है वो है भोजपुरिया मनोरंजन। तो चलिए आपको बताते हैं उनके थ्रू जो खास जानकारियां हमें मिली है। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी नाम अभिनेत्री नीतू चंद्रा हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषाओं में फिल्में करती रही हैं। बिल्कुल इसके अलावा वह दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी फिल्मों में काम कर रही हैं यानी कि वो साउथ इंडस्ट्री में भी काम की हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा भोजपुरी के प्रति वह अक्सर अपने प्रेम को जताती रही हैं। बिल्कुल ये बात किसी से छिपी नहीं है। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब बॉलीवुड हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भोजपुरी भाषा को लेकर थोड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी जिस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया नीतू चंद्रा की आई थी, जिनकी बातें सुनकर शायद थोड़ा बहुत सिद्धार्थ मल्होत्रा भी डर गए होंगे। यार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में अगले महीने ही नीतू चंद्रा भोजपुरी भाषा में अपना एक वीडियो लेकर आ रही है। ये जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पोस्ट कर दी है। यह वीडियो कब और अपने प्रमोशन हाउस चंपारण टॉकीज के बैनर तले कहा है। नीतू चंद्रा ने अपने पोस्ट में कहा कि वह जल्द ही यूट्यूब चैनल बेजोड़ पर भोजपुरी में म्यूजिक लेकर वीडियो लेकर आ रही हैं। अपने ट्वीट में नीतू चंद्रा ने कहा,
वो इतने रीजन देंगे कि आप लोग भी हर बार आप सभी खुद पर प्राउड फील करेंगे। जी हाँ, उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये भी आपको बता देते हैं। नीतू चंद्रा ने 21 मई यानी कि कल के दिन उन्होंने ट्वीट किया और कहा, हमारे यूट्यूब चैनल बेजोड़ पे अगला वीडियो सारी सारी रतिया जगावे कोयल तोरी बिरहनी बोलिए है। ये वीडियो 1970 यानी कि 1917 में बेतिया में सेट किया गया है। ये वीडियो 10 जून को हमारे मतलब उनके चैनल पर रिलीज किया जाएगा, तो आप लोग भी इसे ज़रूर देखिए। ये नीतू चंद्रा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके दर्शकों को जानकारी दी है। वैसे आपको बता दें, सारी रतिया जो है, सारी रतिया जगावे कोयल तोरी बिरहिन बोले वीडियो अब 10 जून को आने वाला है। बिल्कुल आपको बता दें, चंपारण टॉकीज के प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तले इस वीडियो को 10 जून को यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। अभिनेत्री रितु चंद्रा ने अपने पोस्ट में कहा है कि वो वीडियो के कैप्शन और केमिस्ट्री और डायरेक्शन की जिम्मेदारी उनके फिल्म निर्माता भाई नितिन चंद्रा ने उठाई है। नीतू चंद्रा के भाई नितिन चंद्रा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो के बारे में जानकारी शेयर की है। नीतू चंद्रा ने अपने पोस्ट में कहा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगला वीडियो आएगा जो आप ज़रूर देखिए, यानी कि 10 जून 2018 का ये वीडियो रिलीज किया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, मिथिल माखन फिल्म में नीतू ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जी हाँ, जिसकी वजह से वो फेमस हुई हैं। आपको बता दें, जो अगर जो इसमें बात करें तो बिहार के पटना में जन्मी बॉलीवुड अदाकारा नीतू चंद्रा फिल्मों में अभिनय के साथ साथ भोजपुरी और अन्य भाषाई फिल्मों के निर्माण से भी जुड़ी है। इसके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी मैथिली फिल्म मिथिला माखन के देश विदेश की फिल्म सामरोह में सुर्खियां बटोरी थी। बिल्कुल आपको बता दें, फिल्म मिथिला माखन को आलोचकों की तरफ से भी सराहना मिली थी। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। मैथिली के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश समेत विश्व के कई देशों में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा में नीतू चंद्रा ने फिल्में बनाई हैं। भोजपुरी में बनी कई फिल्म देसवा में ने भी खूब जो चर्चाएँ थी वो बटोरी थी। इसके बाद फिल्मों के अलावा खेल की दुनिया में भी वो उनका नाम कायम है। आपको बता दें, आपकी जानकारी ये हैरानी होगी आपको, कि फिल्म के अलावा नीतू चंद्रा खेलों की दुनिया में भी जुड़ी हुई है। अपने स्किल में वह बास्केटबॉल प्रेमियों के लिए जानी जाती हैं। वहीं नीतू चंद्रा ने मार्शल आर्ट ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। यही नहीं, वो ताइक्वांडो में वहाँ राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। भारत की तरफ से ताइक्वांडो में उन्होंने देश के लिए हांगकांग में हुई वर्ल्ड जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप होता है उसमें भाग लिया था उन्होंने। खेल के अलावा नीतू चंद्रा ने मॉडलिंग और विज्ञापन की दुनिया में भी शोहरत बटोरी है। वहीं कई म्यूजिक वीडियो में भी नीतू चंद्रा ने अपने जलवे बिखेरे हैं। मैं इस न्यूज़ को यहाँ तक इसलिए बता दी क्योंकि नीतू चंद्रा एक ऐसा नाम है जो भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरिया समाज से आती हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने बॉलीवुड मॉडलिंग से की, विज्ञापन में आई। अब जैसा कि आपको मैंने इस खबर में बताया ही है, वो बॉलीवुड में भी काम करी है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम करी है। उनकी फिल्में नेशनल लेवल तक जा चुकी हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार तक उन्हें मिल चुका है, यानी नेशनल लेवल तक वो पहुंच चुके हैं और खेल की दुनिया में भी वो कहीं किसी से पीछे नहीं रही हैं। यानी कि हमारी ऑलराउंडर नीतू चंद्रा को अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से देखने को मिलेगा 10 जून को। तो जो लोग उनके फैन हैं या जो लोग इस खास नीतू चंद्रा की इस खास वीडियो को देखना चाहते हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे यानी भोजपुरी भाषा पे भोजपुरी गाने पर प्राउड फील करना चाहते हैं, तो भाई हमें क्या, आपको भी 10 जून का बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आखिरकार ये 10 जून आए कब और आप नीतू चंद्रा का ये खास वीडियो देख सकें। खैर दोस्तों, देखते हैं नीतू चंद्रा इसके साथ साथ भोजपुरिया समाज संस्कृति और माटी को कैसे जोड़े रखती है, कैसे खुद से उन्हें समेटे रखती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ नीतू चंद्रा क्या कुछ खास लेकर आती हैं, ये बातें तो आप सभी को आगे पता ही चलेगा। फिलहाल आप और हम दोनों ही 10 जून का इंतज़ार करते हैं कि इनका वीडियो ये रिलीज हो। खैर दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। इसके अलावा आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम बड़ी खबर को जानने के लिए आपको हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन दबाना होगा, ताकि आपको जैसे मैंने अभी बड़ी खबर बताई है, इस तरीके की कोई भी खबर आप सभी से छूट ना जाए, कहीं भी कोई खबर मिस ना हो जाए। क्योंकि आप अगर जो भोजपुरिया समाज से जुड़े रहना चाहते हैं, भोजपुरिया इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और प्रोग्राम में क्या कुछ खास लगा, आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर बता सकते हैं। और
और साथ ही साथ आपको अपने सुपरस्टार से जुड़ी कोई जानकारी, उनके फिल्म से जुड़ी कोई खास जानकारी या फिर आपको अपनी कोई राय देनी हो तो आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सके। वैसे आपके इस कमेंट्स का हमें भी इंतजार रहेगा और कल मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगी आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम। तब तक हमारा चैनल देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।